Hello everyone. Today we are starting chapter number 6, Triangle and its properties. So first of all, you all know about the triangle. Yes, triangle क्या होता है वो हम सबको पता है कि triangle का मतलब क्या है? कोई भी एक three-sided closed figure जिसके three sides होते हैं और वो closed figure होती है, उसको हम बोल सकते हैं triangle. Okay? तो triangle is a three-sided closed figure. सपोज यहाँ पर मैं कोई भी एक ट्राइंगल बना लेती हूँ इस तरह से, ओके? और ये ट्राइंगल का नाम देती हूँ ए बी एंड सी. ट्राइंगल ए बी सी, हियर आई हैव ड्रॉन द ट्राइंगल ए बी सी. तो ये इसके बारे में हमको क्या क्या पता है अभी तक? ट्राइंगल के बारे में हमको पता है कि ट्राइंगल के कंपोनेंट्स होते हैं. कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? उसके साइड्स होते हैं, एंगल्स होते हैं एंड वर्टाइसेस होते हैं. तो वर्टाइजेस का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल के वर्टाइजेस मतलब कि जिसके कॉर्नर पॉइंट्स, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है उसको हम बोल सकते हैं वर्टाइजेस. तो वर्टाइजेस ऑफ द ट्राइंगल, वर्टाइजेस क्या है यहाँ पर? ए बी एंड सी, दिस थ्री आर वर्टाइजेस. जो भी कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पर हमारे लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कॉर्नर्स. कॉर्नर्स को बोल सकते हैं वर्टाइजेस. ओके, वो जब एक होता है तो वर्टेक्स बोलते हैं, ज्यादा होता है तो वर्टाइसेस बोलते हैं. तो वर्टाइसेस हमारे पास है यहाँ पर थ्री वर्टाइसेस, ए बी एंड सी. वर्टाइसेस के बाद हमारे पास क्या होता है? साइड्स होता है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. साइड्स भी बोल सकते हैं और एजेस भी बोल सकते हैं. तो साइड्स का मतलब क्या है हमारा? यहाँ पर हमारे पास 1, 2 एंड 3, थ्री साइड्स आते हैं, ए बी, बी सी एंड AC. So these three sides we have with the triangle ABC. Triangle ABC के पास तीन sides. अब तीन sides के ऊपर मैंने यहाँ पर line segment बनाया. Line segment क्यों बनाया? मैंने line क्यों नहीं बनाया यहाँ पर? क्योंकि line segment के पास दो end points होते हैं. यहाँ पर भी हम देख सकते हैं AD end points हैं. Okay? तो ये इसको हम measure कर सकते हैं. Line segments हमेशा measure कर सकते हैं. Line को measure नहीं कर सकते. तो ये है AB, BC and AC. दिस थ्री आर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. साइड्स भी बोल सकते हैं, एजेस भी बोल सकते हैं. तो अब ये साइड्स जो है, ए बी है उसको मैं बी ए भी लिख सकती हूँ, बी सी है उसको सी बी. मीन्स आप उसको कोई भी फॉर्म में लिख सकते, कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो. जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आप अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. साइड्स के बाद हमारे पास ट्राइंगल्स का क्या होता है? एंगल्स होता है, एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. एंगल्स हमारे पास कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, दिस थ्री एंगल्स भी है. अब ये तीन एंगल्स जो है उसको मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में एंगल ए बी एंड एंगल सी लिख दिया. अब यहाँ पर जब भी आपको इस तरह यही सेम एंगल को और कोई दूसरी तरह से आपको डिनोट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? एंगल ए को मैं लिख सकती हूँ सी ए बी एंगल, इसको ही हम लिख सकते हैं एंगल सी ए बी. ये सी ए बी क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जो भी एंगल हम डिनोट करें वो हमेशा मिडल में रहना चाहिए और आसपास में हम उसको कोई भी लिख सकते हैं. सी ए बी लिख सकते हैं या बी ए सी बी लिख सकते हैं. जैसे मैंने बताया कि आप किसी भी साइड से आप एंगल्स या लाइन सेगमेंट्स जो है उसको लिख सकते हो. तो ऐसी एंगल को सब हम इसी तरह से लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी. अब एंगल बी को डिनोट करने मतलब एंगल बी should be in the center, okay? तो यहाँ पर एंगल बी को लेना है तो बी बीच में रहेगा. बी के बी बीच में रखेंगे तो आस पास में ए और सी है. तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ए बी एंड सी. एंगल सी है तो एंगल सी के लिए सी बीच में रहना चाहिए, तो ए और बी आस पास में रहेंगे, ए सी बी. ओके, तो ये है हमारे पास ट्राइंगल एंड इट्स कंपोनेंट्स. ट्राइंगल के कंपोनेंट्स और ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितने पार्ट्स होते हैं? ओके, तो वर्टाइसेस होते हैं, साइड्स होते हैं और एंगल्स होते हैं. अब वर्टाइसेस क्या है? कॉर्नर्स है. उसके कॉर्नर्स जो भी है उसको हम बोल सकते हैं वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल. हियर थ्री वर्टाइसेस वी हैव, ए बी एंड सी. साइड्स क्या है? साइड्स मीन्स द लेंथ ऑफ द साइड. ओके, साइड्स जो है उसका यहाँ पर मेजर कर सकते हैं हम, ए बी, बी सी एंड ए सी. एंड थर्ड इज द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. एंगल्स क्या होते हैं? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. दिस थ्री एंगल्स वी हैव फॉर द ट्राइंगल.
और एंगल्स को हम दूसरे भी किस तरह से डिनोट कर सकते हैं वो भी हमने देखा। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ट्राइंगल में हमने ये देख लिया ट्राइंगल के पार्ट्स और ट्राइंगल ट्राइंगल के टाइप्स भी होते हैं। कौन से टाइप्स के ट्राइंगल्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, सिक्स टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। सिक्स कौन से टाइप्स में लिखे हैं आपने, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स। सो यू हैव स्टडीड सिक्स टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। कौन से सिक्स टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, साइड्स के बेसिस पे और एंगल्स के बेसिस पे, थ्री थ्री टाइप्स आपने पढ़े हुए हैं। साइड्स के बेसिस पे हमने कौन से ट्राइंगल्स पढ़े, साइड्स मीन्स हियर दिस थ्री साइड्स व्हेन थ्री साइड्स आर इक्वल, इक्वल मीन्स ऑल द मेजरमेंट्स आर सेम। ओके, सो इफ द सेम ट्राइंगल आई एम टेकिंग एंड इफ द मेजरमेंट्स ऑफ द साइड्स आर थ्री थ्री एंड थ्री सेंटीमीटर्स, ऑल थ्री साइड्स आर सेम, देन इट विल बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, इक्वल होते हैं तब बन जाता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकेंड जो होता है कि जब दो साइड्स इक्वल होते हैं थर्ड साइड डिफरेंट होती है तब हमारे पास दूसरा टाइप आता है कि दो साइड्स इक्वल है, इंस्टेड ऑफ दिस ट्राइंगल इफ दिस टू साइड्स आर फोर फोर सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑफ थ्री सेंटीमीटर देन द ट्राइंगल विल बी आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं और थर्ड साइड डिफरेंट होती है। उसी के साथ उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है कि दो साइड्स जो इक्वल होते हैं उसके सामने एंगल्स जो होते हैं वो दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल एंड ऑल थ्री एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, यहाँ पे आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल और दो साइड्स के सामने वाले दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। देन थर्ड नंबर मीन्स ऑल द साइड्स आर डिफरेंट, मीन्स हर एक साइड का मेजरमेंट अलग अलग है, तब वो कौन सा ट्राइंगल बनेगा। यहाँ पर फर्स्ट हमने इक्विलेटरल देख लिया, फिर आइसोस्केलस देख लिया, और थर्ड कौन सा है हमारे पास, स्केलिन ट्राइंगल। सो स्केलिन ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि जिसके थ्री साइड्स डिफरेंट होते हैं और उसके थ्री एंगल्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलिन ट्राइंगल। तो इस तरह से हमारे पास थ्री साइड्स के बेसिस पे हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल्स के बेसिस पे। नाउ नेक्स्ट इज एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स वी हैव अदर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, विच थ्री, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। ये भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, acute angle triangle means all the angles are acute angles. Okay, suppose this kind of figure I have taken, this is 60 degree and 60 degree, all three angles are equal. Okay, and all three angles are acute angles. Here for the acute angle triangle it's not a condition that all angles should be equal, yes, but we have the condition that all the angles should be acute angles. So only that time we can say that this triangle is a acute angled triangle. Second होता है हमारे पास right angled triangle. Right angled triangle means any one angle should be a right angle. कोई भी एक angle उसका right angle होना चाहिए. इस तरह से कोई triangle बनाया हुआ है जिसका ये angle है वो 90 degree. बाकी के दोनों angles है वो है 45 degree and 45 degree. Okay? तो एक angle है 90 degree, उसका मतलब है कि वो एंगल, वो ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। एंड द थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल इज ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल मीन्स एनी वन एंगल शुड बी ऑब्टूज एंगल ऑफ द ट्राइंगल, कोई भी एक एंगल जो है उसका ऑब्टूज होना चाहिए। जैसे ये ट्राइंगल बनाया है उसका ये एंगल मैंने बना दिया है 110 डिग्री, 110 डिग्री मीन्स ऑब्टूज एंगल। तो ये हो गया ऑब्टूज एंगल। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, ट्राइंगल एंड इट्स पार्ट्स। ओके,
उसके बाद हमारे पास है साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स और एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स। तो ये था ट्रायंगल का बेसिक्स जो होता है वो। अब हम नेक्स्ट में मूव करते हैं मीडियन और अल्टीट्यूड के ऊपर। तो मीडियन क्या होता है और अल्टीट्यूड क्या होता है? ओके, सो नेक्स्ट इज मीडियन एंड अल्टीट्यूड। मीडियन का मतलब क्या है कि कोई भी ट्रायंगल है उसमें एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से सामने की साइड के मिड पॉइंट पे कनेक्ट करता है। नाउ लेट्स टेक अ फिगर एंड लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द मीडियन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्रॉन दिस फिगर। ओके, ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ है। ट्रायंगल का नाम मैंने दे दिया है ए बी एंड सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब उसमें मीडियन का मतलब क्या है कि कोई भी एक वर्टेक्स है, जैसे वर्टेक्स मैंने यहाँ पर लिया है ए, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि वो एग्जैक्ट मिडल में जो आता है वो, ओके, दोनों का एग्जैक्ट मिडल में, बी सी जो है उसका एग्जैक्ट मिडल में जो आता है वो। यहाँ से ये जो हम अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो ए डी, ए डी इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, ए डी इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। मीडियन जो होता है वो हमेशा वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करना चाहिए। मिड पॉइंट का मतलब है एग्जिट मिडल, मीन्स यहाँ पर सपोज ये लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर का है तो ये जो दो पार्ट्स है वो 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर होने चाहिए। कोई भी ऐसा अनइवन नहीं होना चाहिए, मिड पॉइंट से कनेक्ट करना चाहिए वर्टेक्स टू मिड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द मीडियन। मीडियन हम कोई भी वर्टेक्स में से बना सकते, कोई भी एक वर्टेक्स से बना सकते, ऐसा नहीं होता है। मीडियन हम कोई भी वर्टेक्स मीन्स ए डी जैसे मैंने बनाया वैसे यहाँ से मैं बी ई भी बना सकती हूँ और सी एफ भी बना सकती हूँ। तो मतलब कि इस तरह से कोई भी वर्टेक्स से आप मीडियन बना सकते हो। मीडियन हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, सामने की साइड को मिड पॉइंट के साथ टच करना चाहिए। ओके, दैट इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। एंड द सेकेंड थिंग इज अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? नाउ अल्टीट्यूड मीन्स सपोज मैंने एक इस तरह से ट्रायंगल लिया हुआ, ओके, और ट्रायंगल का नाम है डी ई एफ। ये एक ट्रायंगल है, उसका अल्टीट्यूड का मतलब क्या है? वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड्स वन पॉइंट वेर द लाइन मेक्स 90 डिग्री एंगल, लाइन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। यहाँ से अगर मैं ये लाइन को ऐसे बना रही हूँ और ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा? अल्टीट्यूड डी एम। सपोज एम ले लिया है मैंने पॉइंट, तो डी एम क्या है? अल्टीट्यूड है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों पार्ट्स इसके इक्वल नहीं है, ये पार्ट बड़ा है ये पार्ट और ये पार्ट छोटा है। मीन्स यहाँ पर जब भी अल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो उसके लिए दो पार्ट्स इक्वल होने जरूरी नहीं होते, लेकिन मीडियन में दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाने चाहिए। तो जैसे हमने मीडियन में देखा कि दो यहाँ पर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वो यहाँ पर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब यहाँ पर एक और आइडिया अगर लेना है, अब आपको ऐसा लगेगा कि मैम अगर इस तरह से कोई फिगर दिया है और हमको तो ऐसे बना के दे दिया, और यहाँ पे कैसे हम पता चलेगा कि मीडियन क्या है अल्टीट्यूड क्या है? तो सपोज कोई भी एक एंगल, जैसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो जब भी इस तरह से होता है तब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? मीडियन और अल्टीट्यूड दोनों सेम हो जाते हैं, क्योंकि वो मीडियन में मिड पॉइंट में भी डिवाइड करेगा और वो 90 डिग्री एंगल भी बनाएगा। तो ये जो होता है वो मीडियन और अल्टीट्यूड सेम। लेकिन बाकी सब ट्रायंगल्स, जैसे ये ट्रायंगल मैंने लिया है या कोई दूसरा ट्रायंगल इस तरह से मैंने लिया है, तो उसमें यहाँ पर ये है उसका अल्टीट्यूड और ये है उसका मीडियन, ए एम एंड ए बी। तो ए एम इज द मीडियन एंड ए डी इज एन अल्टीट्यूड। ओके, तो यहाँ पर अल्टीट्यूड और मीडियन तो सबका क्लियर हो जाना चाहिए। अल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है हमेशा अपोजिट साइड के साथ में,
और मीडियन जो होता है वो हमेशा मिड पॉइंट में टच करता है। ओके, तो ये दोनों कंसेप्ट नए हैं जो हम 6.1 में यूज़ करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.1 में मीडियन और अल्टीट्यूड का यूज़ करने वाला है। तो यहाँ पे सबका ये क्लियर हो जाना चाहिए, कंपोनेंट्स या द एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल। एलिमेंट्स व्हेनेवर द क्वेश्चन आस्क्ड दैट एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट द एलिमेंट्स मीन्स सिक्स एलिमेंट्स वी हैव, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, दिस सिक्स एलिमेंट्स वी हैव फॉर द ट्राइंगल। On the basis of the sides, we have three types of triangles that are equilateral triangle, isosceles triangle, and scalene triangle. On the basis of angles, we have other three types of triangles, that is acute angle triangle, right angle triangle, and obtuse angle triangle. After that, we have median and altitude. Median means a line segment which connects the vertex to the opposite side's midpoint, that is called the median. And altitude means a line segment which makes 90 degree angle to the opposite side from the vertex is called an altitude. Okay, so I hope you all have clear about this topics, and let's move to our exercise 6.1.